नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारतीय टीम ने एक बार फिर से कमाल का प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान को धूल चटा दी है। बता दें कि हॉकी के मैच में पाकिस्तान को भारत ने शानदार तरीके से मुकाबले में हरा दिया है। इसी के साथ भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रॉन्ज मेडल पर भी कब्जा जमा लिया है। भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से इस मुकाबले में हराया है। ढाका में खेले गए इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 से बराबरी पर था, लेकिन अंतिम दो क्वार्टर में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आक्रामक और जबरदस्त खेल दिखाया। भारत के लिए मनप्रीत सिंह, सुमित, वरुण कुमार और आकाशदीप सिंह ने गोल दागे। बता दें कि भारत ने आक्रामक शुरुआत की और एक मिनट के भीतर ही 3 पेनाल्टी कॉर्नर हासिल कर लिए। मनप्रीत सिंह ने फिर मुकाबले में दूसरे मिनट में ही पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया और भारत को बढ़त दिला दी। हालांकि पाकिस्तान ने भी पहले क्वार्टर की समाप्ति से पहले ही गोल करके स्कोर 1-1 से बराबरी पर कर लिया। गौरतलब है कि भारतीय टीम इस साल लगातार तीसरी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में खिताब जीतने की दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन उसे सेमीफाइनल में हार झेलनी पड़ी। भारत को मंगलवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में जापान ने 3-5 से हरा दिया था। मनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम ने अपने ग्रुप मुकाबले में जापान को 6-0 से हराया था, लेकिन सेमीफाइनल में वो लय भारतीय टीम बरकरार नहीं रख पाई थी। लेकिन इसके बाद ब्रॉन्ज की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाकर देश को गौरवान्वित कर दिया है, जिसके बाद पूरा देश हॉकी टीम को बधाइयां दे रहा है।